आज हम नॉर्मल सबग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर 3.7। यदि एच और के किसी ग्रुप जी के दो पर सामान्य उपग्रुप हो तो एच इंटू के इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। प्रूफ, पहले हम प्रदर्शित करेंगे एच इंटू के जी का उपग्रुप है। चूँकि एच जी का नॉर्मल सबग्रुप है तो प्रत्येक के बिलोंग्स टू के लिए स्मॉल के बिलोंग टू जी। एच इंटू के इज इक्वल टू के इंटू एच implies that H into capital K is equal to K into capital S. implies that H into KG का उपग्रुप है। सिद्ध करना कि H into KG का नॉर्मल सब ग्रुप है। मान लीजिए X belongs to G तथा small H into K belongs to H into K, तब X H के X inverse equal to X H X inverse X के X inverse इक्वल टू एक्स एच एक्स इनवर्स इंटू एक्स के एक्स इनवर्स। चूँकि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच, एक्स के एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू के, क्योंकि एच और के नॉर्मल सबग्रुप है, इसलिए एक्स एच एक्स इनवर्स इंटू एक्स के एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटू के। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्स बिलोंग टू जी के लिए एच इंटू के बिलोंग टू एच के इम्प्लाइज डेट एक्स एच के एक्स इनवर्स बिलोंग टू एच के, अर्थात एच इंटू के इन नॉर्मल सबग्रुप जी। प्रसामान्य उपसमूह का अस्तित्व है। थ्योरम नंबर 3.8। किसी ग्रुप के दो सूचकांक वाला प्रत्येक उपग्रुप एक प्रसामान्य उपग्रुप होता है। प्रूफ, मान लीजिए एच ग्रुप जी में दो सूचकांक का एक उपग्रुप, तब एच के जी में केवल दो ही भिन्न भिन्न दक्षिण या वाम से समझे होंगे। अब माना जी इज इक्वल टू एच यूनियन एच एक्स, जहाँ एच एक्स इंटरसेक्शन एच इक्वल टू 5। अब एच एक्स इंटरसेक्शन एच इक्वल टू 5 तथा एक्स बिलोंग टू एच एक्स इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग नॉट बिलोंग टू एच इम्प्लाइज दैट एच तथा एक्स एच भी ऐसे होते हैं। जी इज इक्वल एच यूनियन एक्स एच, तब एच यूनियन एच एक्स इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एच यूनियन एक्स एच इम्प्लाइज दैट एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच, अर्थात एच इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ